इस प्रकार का बिल लाकर, तब तो आराम से लोग चीटिंग करते रहे और दुनिया तमाशाबीन रहे। तो इस प्रकार का बिल जिन लोगों ने, जिनके सलाह पर हेमंत सरकार ला रहे हैं, मैं उनके भी बुद्धि की दाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए कि झारखंड को कहां लेकर जाना चाहते हैं। इसकी यादव जी कहे हैं कि ये बिल में जो प्रावधान किया गया है वो मानते हैं कठोर है, इसमें संशोधन की जरूरत नहीं, कठोर नहीं है। इसे लाने की आवश्यकता क्या है इस बिल को? जो बिल, जिस बिल में हमारा अधिकार छीना जा रहा हो, जिस बिल में हम एक बात अगर बोलने की हमारी हैसियत ना हो कि भाई वो देखिए वहाँ चोरी हो रही है, वहाँ चीटिंग हो रही है, आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आप 10 साल के लिए जेल में भेज दिए जाएंगे, तो ये कठोर नहीं है, कठोरतम है। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, इस बिल का पुरजोर विरोध करूंगा। विपक्ष के तौर पर मौजूद रहेंगे सदन में, तब तो इन बातों का विरोध नहीं, सदन में तो आज दिन भर विरोध हुआ, इन्हीं बातों को तो लेकर हुआ है। दिन में जितने भी विरोध हुए हैं, हमने तो यही कहा थे कि मुख्यमंत्री सदन में अपना वक्तव्य दें। 11 बजे सदन शुरू हुआ, मैंने खुद कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नियोजन नीति पर वक्तव्य दें, जो मर्डर हो रहे हैं उस पर दें, जो सुभाष मुंडा की हत्या हुई उस पर दें, जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उस पर दें, सरिया में जो हमारी बहन के साथ को नंगा घुमाया उस पर वक्तव्य दें, जितने भी झारखंड में कुकर्म हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है उस पर वक्तव्य दें। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो कान में तिल डालकर सोना है तो सोए हुए हैं। पेपर लीक नहीं है, चोरी नहीं है, उसको लेकर के इसकी शुरुआत, उसका पार्ट प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन वो वहाँ से हर घसक करके उसके अगल बगल में आई है। जो लोग उसके बारे में भ्रामक प्रचार करेंगे, जो भ्रामक आवाज उठाएगा, भ्रामक शब्द जो है वो भी अपने आप में बड़ा भ्रामक है। अगर हम कोई चीज़ गलत देखेंगे, मेरे पीछे कोई चोरी कर रहा है, अगर हम उसको देखेंगे चोरी करते हुए, अगर हम उस पर आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है कि हम 10 साल के लिए सजा जेल ऐसा सरकार का विश्वास। तो ये हम लोगों के लिए तो थोड़ा कमी है, आपके लिए ज़्यादा है, प्रेस वाले बंधुओं के लिए ज़्यादा है कि आप देख के भी आगे, अगर ये कानून पास हो जाता है तो आप देख के भी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा आँख और कान आपका है, आप देख भी पाओगे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको बोलने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आप कुछ लोग इसके आरोप में जेल चले। तो ये काला कानून है, एक काला प्रस्ताव है जो उन्होंने लाया है, और इनको इसको जो है वापस लेकर टफन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।